हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन गणेश जी महाराज को समर्पित है और इसे हेरंभ चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष 2023 में कब रखा जाएगा, क्या विधान है पूजा का, चंद्रोदय समय और संपूर्ण नियम इत्यादि की जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। जैसा कि अपने आप में यह दिन विशेष होता है जो कि गणेश जी महाराज को समर्पित है। ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाए तो चतुर्थी तिथि अपने आप में अद्भुत होती है। भक्तजन सच्चे भाव सच्चे मन से जो भी गणेश जी महाराज को इस दिन पूजन करता है, अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए कई कार्य किए जाते हैं। गणेश जी महाराज सदा सर्वदा उसके जीवन में खुशियों के भंडार भरते हैं। ऐसे में पंचांग में पूर्ण रूप से वर्णित है कि संकष्टी चतुर्थी 2 सितंबर को संध्या काल में 8:49 से शुरू होकर अगले दिन यानी 3 सितंबर को संध्या काल में 6:24 के आसपास समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष स्थान है, उसी के आधार पर सभी व्रत पूजा पाठ इत्यादि किए जाते हैं। अतः 3 सितंबर को संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाएगा। अगर आप भी चतुर्थी का व्रत करते हैं, आपने अगर शुरू किया है तो अति श्रेष्ठ है, नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप सभी जो है 3 सितंबर को इस दिन विशेष गणेश जी महाराज के निवृत्त पूजा पाठ विधान करने का प्रयत्न करें। 3 सितंबर को ही संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाएगा। चंद्रोदय बहुत महत्वपूर्ण समय माना जाता है, जब चंद्र देवता को अर्घ देकर शाम को अपना व्रत खोला जाता है। तो संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन संध्या काल में 8:57 अर्थात चंद्र देवता जो दिखाई देंगे वह 8:57 के आसपास रहेंगे। अब जानते हैं सरल सी पूजा विधि। संकष्टी चतुर्थी व्रत पर ब्रह्मकाल में आप उठ जाएं, अर्थात अमृत बेला में उठें और सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान कर उन्हें प्रणाम करें। इसके पश्चात घर के जो रोज के कार्य का जो होते हैं, अर्थात कहने का अर्थ है घर की साफ सफाई, दैनिक कार्य से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें और इसके बाद आप सभी आचमन इत्यादि कर स्वयं की शुद्धि करें। भगवान के घर जो मंदिर है उसे साफ शुद्ध कर आप सभी पूर्ण रूप से सुंदर भाव से भगवान की पूजा आराधना करें। संभव हो तो इस दिन पीले रंग के वस्त्रों का चयन करें, अति शुभ माना जाता है। भगवान भास्कर को सबसे पहले अर्घ दें, इसके बाद जो है भगवान के सरल से मंत्रों का जाप करते हुए विधि विधान से पूजन करने का प्रयत्न करें। अब आप सभी फल फूल धूप दीप दुर्वा चंदन इत्यादि से गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करें। गणेश जी महाराज को पीला फूल बहुत प्रिय है, दुर्वा प्रिय है, मोदक और सुपारी भी उन्हें अत्यधिक प्रिय है, तो आप अपने घर के सभी सदस्यों का स्पर्श कराकर यह समय स्वयं से जो है उन्हें समर्पित करें, अति शुभ माना जाता है। पूजा में पीले फूल दुर्वा मोदक जो है विशेष रूप से चढ़ाने का प्रयत्न करें। भले ही आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी इन चीज़ों को गणेश जी को समर्पित अवश्य करें। साथ ही गणेश चालीसा का पाठ और मंत्र जाप अवश्य करें। अंत में आरती और प्रदक्षिणा कर गणेश जी महाराज से सुख शांति धन प्राप्ति और जीवन में निरोगी कामना जो काया है उसके लिए प्रार्थना करें। दिन भर उपवास रखें, शाम को आरती पूजा इत्यादि करने के बाद गणेश जी को अर्घ, गणेश जी का विधि विधान से पूजन, ध्यान, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए आप सभी चंद्र देवता को अर्घ देने के पश्चात फलाहार कर अपने व्रत का पारण करें, अर्थात व्रत को खोलें। इस तरह से सरल सी प्रक्रिया होती है। गणेश जी महाराज छोटी सी सरल सी पूजा से और मात्र उनका स्मरण दीप दान पूजन पाठ करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, कथा इत्यादि जरूर से सुने। वह जो है सच्चे भाव सच्चे मन से पूजा करने वाले व्यक्ति के घर में धन धान्य रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी के रूप में हमेशा माता के साथ वास करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करने वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं। सरल से कार्य करने का प्रयत्न करें। इस दिन जितना संभव हो एक समय का भोजन दान करें। दान पुण्य विशेष रूप से कहा गया है, दीपदान इत्यादि के स्वरूप में कर सकते हैं, अति शुभ कार्य के रूप में जाना जाएगा। हर हर महादेव। जय श्री गणेश जी महाराज।